शहर में विकास कार्यों को लेकर जनता की मांग के अनुरूप सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने वार्ड 3 में शहर विधायक व महापौर ने 7.84 लाख के डमरीकरण कार्य का किया भूमि पूजन। दुर्ग शहर के चंडी मंडी चौक से लेकर नया तालाब सारथी पारा सड़क डामरीकरण निर्माण कार्य के लिए सोमवार को विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बागलीवाल ने वार्ड 3 चंडी मंदिर रोड से नया तालाब और सारथी पारा सड़क डामरीकरण निर्माण के लिए 7,84,000 की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर विधायक ने उपस्थित निवासियों से कहा कि मूलभूत विकास निर्माण कार्य के लिए पैसों की कमी नहीं है, आपकी जरूरत और सुविधाओं को देखते हुए आज विकास कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया है। इस अवसर पर सभापति राजेश यादव, पार्षद नरेंद्र बंजारे, एमएससी सदस्य अब्दुल गनी, संजय कोले, दीपक साहू, एल्डरमैन रत्ना नारायणदेव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। गौरतलब है कि लंबे समय से पार्षद व वार्ड के निवासी विकास और निर्माण की बाट जो रहे थे। क्षेत्र में सड़क डामरीकरण कार्य की अधिक आवश्यकता है, इसे देखते हुए विधायक एवं महापौर की पहल पर लाखों रुपए की लागत से चंडी मंदिर रोड से नया तालाब और सारथी पारा सड़क मरम्मत कार्य करवाया जाएगा। महापौर ने इस अवसर पर कहा कि क्षेत्र के सभी निवासियों को उनकी आवश्यकता अनुसार सुविधा प्राप्त होगी। हमने अपने विधानसभा के बारे में उनसे कहा कि भैया 15 साल हो गए ग्रुप में, कोई भी विकास के कार्य नहीं हो रहे और सार्वजनिक समस्याओं के लिए हम तरस रहे हैं। सड़कों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है तो उनको देखकर भी करते हैं भैया नमस्कार। तो उन्होंने तत्काल अपने अधिकारियों को बुलाया और कहा कि विधायक महोदय जो बोल रहे हैं उसको नोट करें और उसकी स्वीकृति मुझसे दिलवाएं। 64 करोड़ की लागत से जो नेहरू नगर से लेकर मिनी मार्केट तक के सड़क का निर्माण हो रहा उसकी स्वीकृति उन्होंने दी और ये राजेंद्र पार्क से लेकर ये जरा सीता तक करीबी तक सड़क का निर्माण हुआ। सड़क के अंदर अभी हमको शहर में शहरी क्षेत्र में 50 करोड़ की सड़कें और बनानी है। अभी मुख्यमंत्री निवास से हम लोगों को फोन आया था, विधायकों का बड़ा हो गया कि आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए और इन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना है। तो मैं अभी 2 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री से मिलूँगा, ग्रुप की समस्याओं के बारे में उनके सामने उनका ध्यान आकर्षित करूँगा और जितनी राशि स्वीकृत हो सकती है उस राशि को हम स्वीकृति दिलाएंगे। उसमें हमारे सभी पार्षदों, महापौर जी का, पार्षदों का और सभापति का भी बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने समय समय पर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपकी गया पटेल जी को धन्यवाद देता कि हम आप मुख्यमंत्री जी को बताएंगे कि सरकार आपकी है और काम होने चाहिए। यहाँ के पार्षद महोदय नरेंद्र बंजारे जी का भी है, इधर का आभार मानवा जी बहुत एक्टिव है, बहुत सक्रिय है और जन समस्याओं को बहुत ही। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।